हिमाचल प्रदेश की पूर्व राज्यपाल और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री उर्मिला सिंह के निधन के बाद सिवनी जिले के ग्राम घूरवाड़ा में अंतिम संस्कार हुआ, जिन्हें उनके पुत्र विधायक योगेंद्र सिंह द्वारा मुखाग्नि दी गई। अंतिम संस्कार में प्रदेश के राज्य मंत्री जालम सिंह, सिवनी विधायक दिनेश राय, बरघाट विधायक कमल मर्सकोले, केवलारी विधायक रजनीश सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस एवं भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। सिवनी जिले से नीलेश स्थापक की रिपोर्ट। हाथ पीछे। शिवपुरी जिले के कोलारस में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान मंत्री सिंधिया को महिला कार्यकर्ताओं द्वारा तलवार भेंट की गई। मंत्री ने इस दौरान तलवार को उठाकर हार न मानने की बात कार्यकर्ताओं से कही। दूसरी ओर मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलता वो रूठ जाते हैं और फिर तय करते हैं कि हमें अपने वोट किसको देना चाहिए। चेतावनी भरे लहजे में मंत्री बोली कि ऐसे लोग पार्टी को डुबाने की बात नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी डूबने वाली नहीं है। कोलारस से मोनू प्रधान की रिपोर्ट। समस्या ये हो गई है कि कई हमारे जो बीच में हैं, या तो वो रूठ जाते हैं कि हमें टिकट नहीं मिला, या फिर वो खुद सोचते हैं कि हमारे पास इतने वोट हैं और हम डिसाइड करें, हम निर्णय लें कि हमें देना है कि नहीं देना। पर आप समझ रहे हो वो 10-15 लोग कि पार्टी कि डूबने की बात नहीं कर सकते हो आप। हमारी पार्टी तो कभी डूबेगी नहीं, हमारी पार्टी तो आपसे बड़ी है। सागर जिले के गोपालगंज थाने में पदस्थ पुलिस एसआई संदीप दिवाकर को लोकायुक्त टीम ने 15,000 रुपयों की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त अधिकारी ने बताया कि थाना में एक 406 की एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें 3 लोगों के नाम शामिल थे। मामले में से एक व्यक्ति का नाम हटाने के लिए लगभग 35,000 रुपयों की रिश्वत की मांग की गई थी। व्यक्ति द्वारा पहले भी पुलिसकर्मी को 10,000 रुपये दे दिए गए थे। गोपालगंज से अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिसमें एक एफआईआर दर्ज हुई है 406 के तहत, और उसमें इन 3 लोगों के नाम थे, गुलाब सिंह रामेश्वर, और 3 लोग थे उसमें से। उसको अपना नाम हटाने के लिए जो है पैसे की डिमांड की गई थी। एफआईआर दर्ज हुई थी 406 की, और उसमें जो है उसका नाम हटाने की एवज में वो पैसे की डिमांड कर रहे थे। कितना पैसे मांगा जाता था? करीब 40,000 रुपये की डिमांड थी जी। 35,000 पे बात हुई और 10,000 रुपये वो दे चुका था, 15,000 रुपये आज देने की बात हुई थी। मध्य प्रदेश विदिशा में 31 मई को विनायक वेंकट हॉल में महिला सशक्ति निर्भया महिलाओं के अधिकार की जानकारी के लिए जिला पुलिस प्रशासन एवं विदिशा चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दी 12 क्रिएटिव वुमेन्स क्लब की अध्यक्ष अंशु गुप्ता, जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कपूर मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। इस दौरान महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा तथा कई अहम विषयों पर जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम के एक दिन पूर्व बैठक आयोजित हुई, जिसमें रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में विदिशा चैंबर्स ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष रवि तलरेजा, महामंत्री हृदय सोनी, चंद्रमोहन अग्रवाल, दिनेश रामानी, मोनिका शर्मा, सुमन शांडिल्य, डॉक्टर दीप्ति शुक्ला, सुचेता सोनी, अभिलाषा बिंदल, उर्मिला तिवारी, डॉक्टर आरती शर्मा, जया जलानी मौजूद रहीं। विदिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं जिला पुलिस प्रशासन के तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम किया जा रहा है वेंकट हॉल में 31 मई शाम 5 बजे को। तो उसमें महिलाओं की अधिकार और जो पीड़ित महिला हैं वो किस तरीके से अपने अधिकार को ले सकती हैं,
और अपने को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं, तो पुलिस प्रशासन भी उनके साथ है। 31 मई को जो आयोजन विदिशा चैम्बर्स एंड कॉमर्स और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा आयोजन है कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए और उनमें उनके अधिकारों के प्रति संचेतना जागृत हो सके, इस दिशा में ये बहुत सराहनीय प्रयास है। और मैं विदिशा नगर की सभी महिलाओं से अपील करती हूँ कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर इस कार्यक्रम का लाभ लें, और अब कॉमर्स की तरफ से पुलिस प्रशासन की मदद से उनको इसलिए इन्वॉल्व किया है क्योंकि हर व्यक्ति पुलिस के सिक्योरिटी से अपने आप को अच्छा फील करती है, और उसी के अंतर्गत ये गुलमो सेंटर खुला है तो और अच्छी बात है। वहाँ से भी सब लोग आएंगे, यहाँ के जितने भी लेडीज ग्रुप है विदिशा के सभी लोग उसमें आमंत्रित हो। महिला सशक्ति का एक कार्यक्रम विदिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं जिला पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में रखा जा रहा है 31 मई विनायक वेंकट हॉल में शाम को 5 बजे। इसमें शहर की सभी महिलाओं से हम आह्वान कर रहे हैं कि ये महिलाओं कार्यक्रम है, इसमें आप लोग जरूर आएँ। और इसमें हमारी मुख्य वक्ता मध्य प्रदेश भोपाल से अंजु गुप्ता जी आ रही हैं, और इनको 2 दिन पहले केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा भी सम्मानित किया गया है उत्कृष्ट कार्यों के लिए, और समाज की महिलाओं के लिए बहुत बढ़ चढ़ के बहुत दिनों से वो कार्य करती आ रही हैं। किसान आंदोलन के लिए धार पुलिस ने कसी कमर। मध्य प्रदेश धार जिले की पुलिस ने आगामी किसान आंदोलन के लिए अपनी कमर कस ली है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जवानों को विशेष रूप से सतर्क रहने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसी के चलते जिले को करीब 350 जवानों का अतिरिक्त पुलिस बल मिला है। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस जवानों ने एक काल्पनिक परिस्थिति निर्मित कर उपद्रव से निपटने का अभ्यास किया। प्रतीक राठौर की रिपोर्ट। किसान आंदोलन को लेकर के हमने लंबे समय से एक कार्य योजना बनाई है, और पिछले 1 महीने से जिस जिस क्षेत्र में जहाँ जहाँ जिन गांवों में समस्याएं आई थी, जिनको हम लोगों ने लास्ट ईयर आइडेंटिफाई किया था, उन गांवों में हमारी पुलिस की टीम और प्रशासनिक टीम जो है वो लगातार भ्रमण कर रही है और लोगों से संवाद कर रही है। उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझ करके उनका समाधान किया जा रहा है, और लोगों से संवाद में ये भी उनको बताया जा रहा है कि आपका जो भी आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से करें और कहीं भी ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे जो है आम जनता को, लोगों को कोई परेशानी हो। उनको ये भी समझाया गया है कि आप जो है मार्ग अवरुद्ध न करें, और बाकी जो घटनाएं विगत वर्ष हुई थी उन घटनाओं से आप परहेज करें। युवा ड्रिल की जो हमारी तैयारी है वो हम निरंतर रूप से जो है उसकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, और हमारी पूरी तैयारी है। लगभग हमको अभी तक 350 का बल बाहर से प्राप्त। पुराना गांव की एक बच्ची और उसके परिजन अस्पताल में एडमिट हुए, उनकी सूचना मिली। सूचना पर लड़की से पूछताछ करी, उसने बताया कि दो लोग उसका अपहरण करके ले गए थे, उसके साथ में पूरा काम किया, तो उससे संबंधित जैसा उसने बयान दिया है उससे संबंधित पूरी कार्रवाई करके और आरोपी को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया जारी बेचना है। कितने लोगों का नाम ले रही है? 3 लोगों के नाम बताए हैं उसने, उसके बाद मारपीट हुई है तो उसमें 2-3 लोग और हैं, अगर 5-6 लोग हैं तो मैं 3 लोग के नाम है। तो पूर्व सरपंच का भी नाम आ रहा है इसमें? अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, विवेचना में जैसे भी जो भी चीज़ें सामने आएंगी कार्रवाई की जाएगी। रीवा जिले के नईगढ़ी में किसानों द्वारा विगत कई दिनों से समिति प्रबंधक दशरथ प्रसाद सहगोरा पर अवैध वसूली का आरोप लगाते प्रशासन से जांच की मांग कर समिति प्रबंधक को निलंबित करने की मांग की जा रही है। इस दौरान उनकी सुध लेने के लिए बसपा की पूर्व विधायक विद्यावती पटेल धरना स्थल पर पहुंची और किसानों की मांग को जायज ठहराते हुए समर्थन किया। नईगढ़ी से सुभाष पटेल की रिपोर्ट। 1 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है और मुद्दा जो हमने देखा है इनका बहुत ही सटीक और छोटे मुद्दे हैं। समितियों की स्थापना, सोसाइटी की स्थापना किसानों के हित के लिए सरकार करती है, लेकिन जब यहाँ के किसान एक छोटा सा जो समिति प्रबंधक है
उसके काम से संतुष्ट नहीं है। 8 बिंदुओं की शिकायत इन लोगों ने 1 महीना पहले शासन प्रशासन को अवगत करा दिया था कि हम यदि इन हमारी जो मांगे हैं इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम धरने पर बैठेंगे। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये धरने पर बैठ गए। 1 महीने से लगातार इनका धरना चल रहा है। शिवराज सिंह सरकार कहते हैं कि हम खुद किसान हैं और किसानों के हितैषी हैं। मुझे नहीं लगता कि ये किसानों के हितैषी हैं। अगर ये हितैषी होते तो ये छोटा सा समिति प्रबंधक है, इनमें कोई ऐसी मांग भी नहीं रखी थी, उसको हटा के जांच ही कराने की तो बात नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की न्याय रथ यात्रा रीवा जिले के नईगढ़ी पहुंची। यात्रा में मौजूद कांग्रेस नेताओं का स्वागत जनपद उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह पिंटू तथा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान रथ यात्रा को कांग्रेस पार्टी का ध्वज लहराकर नईगढ़ी अंचल के गांव की ओर रवाना किया गया। मध्य प्रदेश रायसेन जिले में वनकर्मी अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 6 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मांगों को कैबिनेट में मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवा द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया था, लेकिन सीएम द्वारा मांगें स्वीकार नहीं की गईं। बताया गया कि सरकार से मांगों को मनवाने के लिए प्रयास जारी है। रायसेन से सोनू कुशवाहा की रिपोर्ट। हमारी 19 सूत्री मांगें जो पिछले 20 वर्षों से चल रही हैं और उनको पूरी नहीं किया जा रहा, उनको लेके हमने चार चरणों में कार्यक्रम किया था, जिसमें हम पहले सरकार को चेतावनी देते रहे, लेकिन जब सरकार हमारी मांगें नहीं मान रही तो 24/5 से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए, और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे। क्योंकि यहाँ के विधायक जी मंत्री जी हैं आपके विभाग से, उनकी ओर से आपको क्या? मंत्री जी का सकारात्मक रुख है हमारे लिए। मंत्री जी ने कल कैबिनेट में भी हमारी जो मांगे उससे संबंधित प्रेस ही रखी थी, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको नहीं माना है किसी कारणवश, तो मंत्री जी का रुख सकारात्मक और वो प्रयास कर रहे हैं हमारे लिए मंत्री जी के हमारी मांगे मानी जाए। कुछ दिन पूर्व मंत्री जी ने स्वीकार किया, मंत्री जी ने लिखित में दिया था हमें 4 तारीख को, 4-5 को लिखित में समझौता किया था कि हम 15 दिन में करा देंगे, और उसी प्रयास में मंत्री जी कर रहे हैं।